Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Today we have lecture number 23 of formal methods in software engineering. Last lecture में हमने different techniques देखी थी कि हम जब भी अपने softwares को design करते हैं और उनको implement करते हैं तो हमारे पास different phases थे. वो different phases कौन-कौन से थे जिसके through हम अपना architecture को डिज़ाइन करते हैं, अपनी ग्रामर डिज़ाइन करते हैं, अपनी लैंग्वेज डिज़ाइन करते हैं, अपने सिमेंटिक्स और सेंटिक्स को डिज़ाइन करते हैं, ठीक है. और क्या क्या उसमें स्टेप्स हैं. हमने लास्ट जो लेक्चर कंप्लीट किया था उसमें हमने फॉर्मल स्पेसिफिकेशन मेथड्स की डिफरेंट ये फोर टेक्निक्स सीखी थी कि फॉर्मल स्पेसिफिकेशन क्या होती हैं, फॉर्मल प्रूफ्स क्या होते हैं, आपकी मॉडल चेकिंग क्या है और आपकी एब्स्ट्रैक्शन. ये फोर टेक्निक्स थी. हमने इसमें से सिर्फ और सिर्फ फॉर्मल स्पेसिफिकेशन को कम्प्लीट किया था, बाकी थ्री टेक्निक्स को हमने कम्प्लीट नहीं किया था. इंशाल्लाह ताला आज के लेक्चर में हम जो है वो फॉर्मल प्रूफ्स को, अपनी मॉडल चेकिंग को और अपनी एब्स्ट्रैक्शन की जितनी भी टेक्निक्स हैं इन तमाम को इन डिटेल डिस्कस करेंगे. ये जितनी टेक्निक्स हैं इनकी वर्किंग क्या है, इनके ड्रॉबैक्स क्या हैं, इनके प्लस पॉइंट्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह ताला हम अपने आज के लेक्चर में इन डिटेल डिस्कस करेंगे. तो फॉर्मल मेथड्स का जो कंसेप्ट है मेन, उसमें हमने लास्ट टाइम ये देखा था कि उसमें आपकी मैथमेटिक्स भी है, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स भी है, कंप्यूटिंग भी है. ये सारी चीज़ें आपके कंबाइन करके आपके फॉर्मल मेथड्स को डिज़ाइन किया जाता है. अब हमने लास्ट टाइम जो अपना लेक्चर स्टार्ट किया था वो हमने कहा था कि हम उसको अब लिंक करेंगे कि इंडस्ट्री में उसकी क्या इम्प्लीमेंटेशन है, क्योंकि अभी तक तो हम जितनी भी चीज़ें पढ़ रहे थे, स्टडी कर रहे थे, वो मैथमेटिकल और थ्योरेटिकल बेस पढ़ रहे थे. लेकिन डेफिनेटली जब आप लोगों ने कल जॉब में जाना है, मार्केट में जाना है, तो जो डिफरेंट सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं, जो इंडस्ट्री के सॉफ्टवेयर हैं, वहाँ पे इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्या है, वहाँ पे हम इसको इंटीग्रेट किस तरह करते हैं, वहाँ पर हम इसको लिंक किस तरह करते हैं और लिंकेज के कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं, क्या क्या मैथड्स हैं, क्या क्या फार्मूलाज हैं, वो जितनी भी चीज़ें हैं वो इंशाल्लाह ताला हम इस लेक्चर में देख रहे थे. तो कल वाले लेक्चर में हमने अपनी फॉर्मल स्पेसिफिकेशन को देखा था कि वो आपकी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में लिंक किस तरह होते हैं, फेसेस किस तरह है, उसकी लैंग्वेज हम किस तरह डिफाइन करते हैं, उसको रियल इंडस्ट्री में हम इंटीग्रेट किस तरह करते हैं. तो आज हम इसी लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे. नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक था दैट वाज फॉर्मल प्रूफ्स. तो फॉर्मल प्रूफ्स जो है ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक था कि कंप्लीट एंड कन्विंसिंग आर्गुमेंट फॉर वैलिडिटी ऑफ सम प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम डिस्क्रिप्शन. देखिए जब आपने अपनी सिस्टम की जितनी भी स्पेसिफिकेशन है वो सारी की सारी डिफाइन कर ली, वो सारी की सारी आपने इंटीग्रेट कर ली, आपने बता दिया कि आपके सिस्टम में क्या 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 रिक्वायरमेंट चाहिए, आपकी नीड्स क्या हैं, जब आपने वो सारी की सारी डिफाइन कर ली हैं तो उसके बाद जो हम अब देखते हैं कि हमने उसको वैलिडेट भी तो करना है ना, कि अब वो जो वैलिडेशन है क्या ये वही रिक्वायरमेंट्स थी जिनके ऊपर हमने अपना सिस्टम डिज़ाइन करना था या जिनके ऊपर हमने अपना सिस्टम इम्प्लीमेंट करना था, ठीक है, क्या ये वही मेथड थे. तो उसके लिए जो हमारा लेक्चर है आज का वो ये है कि फॉर्मल प्रूफ्स में कंप्लीट एंड कन्विंसिंग आर्गुमेंट फॉर वैलिडिटी ऑफ सम प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम डिस्क्रिप्शन. ठीक है, जो सिस्टम की डिस्क्रिप्शंस हैं, ठीक है, जो रूल्स मेथड्स हैं, टेक्निक्स हैं, उनको हम अपना वैलिडेट किस तरह करेंगे, उसकी जो वैलिडेशन है सिस्टम के साथ, मेथड के साथ, उनके स्टेप्स क्या हैं, ठीक है, उसको हम किस तरीके से करेंगे. तो वो हम सारी की सारी जितनी भी चीज़ें हैं वो हम अपनी फॉर्मल प्रूफ्स में डिस्कस करते हैं कि हम उसमें वो आर्गुमेंट्स जिससे हमें ये लगे कि ये जो सिस्टम डिस्क्राइब हो रहा है, जो सिस्टम की डिस्क्रिप्शन है, वो सारी की सारी लेजिटिमेट है और वो हम अपने रियल सिस्टम के अंदर, रियल इंडस्ट्री में उसको यूज़ कर सकते हैं, उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. नेक्स्ट, कंस्ट्रक्टेड एज अ सीरीज ऑफ स्टेप्स, ठीक है, ईच ऑफ विच इज़ जस्टिफाई फ्रॉम अ स्मॉल सेट ऑफ रूल्स. ठीक है, देखें हमने ये कहा था कि मेथड क्या है, कि सेट ऑफ सर्टन प्री डिफाइंड रूल्स हैं फॉर द जस्टिफिकेशन, फॉर द वेरीफिकेशन, फॉर द वैलिडेशन ऑफ अ स्पेसिफिक सिस्टम. ठीक है, यही बात हमने की थी. अब यहाँ पे जब हम अपना फॉर्मल प्रूफ बना देते हैं, उसको डिफाइन कर देते हैं, तो हम क्या कहते हैं कि कंस्ट्रक्टेड एज अ सीरीज ऑफ स्टेप. हमारे पास डिफरेंट सीरीज ऑफ स्टेप्स हैं और हर एक को हम जस्टिफाई करते हैं डिफरेंट रूल्स के साथ. वो रूल्स कौन से हैं, वो मेथड्स कौन से हैं, वो रेगुलेशन कौन सी हैं और उसको हम सिस्टम के साथ किस तरीके से इंटीग्रेट करते हैं और हम वहाँ पर स्मॉल सेट्स ऑफ रूल डिफाइन करते हैं.
सकते हैं, क्योंकि जब आपके पास एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर है तो हम उसके डिफरेंट मॉड्यूल्स बनाते हैं, हम उसमें अपनी मॉड्यूलर अप्रोच यूज़ करते हैं। हम जब अपनी मॉड्यूलर अप्रोच यूज़ करते हैं तो डिफरेंट मॉड्यूल्स होते हैं, डिफरेंट मॉड्यूल्स जो हैं वो बेस कर रहे होते हैं डिफरेंट डेटा के ऊपर, डिफरेंट टेक्निक्स के ऊपर। तो हम इसके अंदर अपने डिफरेंट मॉड्यूल्स को यूज़ करके इंटीग्रेट करते हैं सिस्टम की वेरिफिकेशन के साथ, कि हम सिस्टम को वेरीफाई कर लें, सिस्टम को इंटीग्रेट कर लें और सिस्टम को हम जो है लेजिटिमेट कर लें कि वो इस डेटे के लिए, इस इनपुट के लिए लेजिटिमेट है। ठीक है जी। उसके बाद हम एलिमिनेट्स एम्बिग्यूटी एंड सब्जेक्टिविटी इनहेरेंट व्हेन ड्राइंग इनफॉर्मल कंक्लूजन। ठीक है जी। आप यहाँ पे हमारे पास जितनी भी एम्बिग्यूटी है और जितनी भी ये चीज़ें हैं उन तमाम को हम एलिमिनेट करते हैं। अब हमारे पास एलिमिनेशन का क्राइटेरिया क्या है, हम किन रूल्स एंड रेगुलेशंस के ऊपर उसको एलिमिनेट करेंगे, उसको जस्टिफाई करेंगे, उसमें जितनी भी एम्बिग्यूटीज हैं उनको साइड पे करेंगे, उसके लिए डेफिनेटली हमारे पास को हमने मेथड्स डिस्कस किए हैं, हमने रूल्स डिस्कस किए हैं, उन रूल्स को हम यूजिंग फॉर्मल प्रूफ किस तरीके से डिप्लॉय कर सकते हैं और किस तरीके से उसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मे बी मैनुअल बट यूजली कंस्ट्रक्टेड विद ऑटोमेटेड असिस्टेंट। देखिए जब टेस्टिंग होती है या प्रूव होते हैं तो स्मॉलर सिस्टम के लिए तो हम अपनी मैनुअल टेक्निक्स, मैनुअल मेथड्स, मैनुअल रूल्स डिवेल्प कर सकते हैं। ठीक है, जो मैनुअली उन सिस्टम की जितनी भी चीज़ें हैं उनको मैनुअली उनको वन बाय वन चेक करें, उनको वैलिडेट करें, उनको इंटीग्रेट करें। लेकिन हम जब बात करते हैं इंटरप्राइज सिस्टम्स की, कॉर्पोरेट सिस्टम की, बैंकिंग सिस्टम की, लार्ज सिस्टम्स की, तो वहाँ पे जो हमें डिफरेंट ऑटोमेटिक मशीन्स की हेल्प चाहिए होती है, कि हम चाहते हैं कि जो हमारे सिस्टम की कम्प्लेक्सिटी है, ठीक है, वो भी उसका भी इफेक्ट ना पड़े और हमारे जो जितनी भी हमारी वेरिफिकेशन है, ठीक है, वो हमें जल्दी पता चल जाए, जो उस पर रूल्स लगाने हैं उस पर टाइम कम इम्प्लीमेंट हो। तो इसलिए जो हमारे पास इंटरप्राइज सिस्टम्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स हैं, कॉर्पोरेट सिस्टम्स हैं, लार्ज सिस्टम्स हैं, ठीक है, इन दोज केसेस वी विल प्रेफर टू यूज़ ऑटोमेटेड असिस्टेंस। ठीक है, जबकि हमारे पास जो मैनुअल सिस्टम्स हैं, ठीक है, जहाँ पे हमारे पास स्मॉलर सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है, आपका जो सॉफ्टवेयर है वो 5 to 10 मशीन पे चल रहा है, ठीक है, वो कॉर्पोरेट लेवल पे नहीं रन हो रहा, तो वहाँ पे हम अपनी मैनुअल रूल्स भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, मैनुअल इम्प्लीमेंटेशन भी देख सकते हैं। लेकिन इंटरप्राइज लेवल के ऊपर, लार्जर लेवल के ऊपर जो हम है वहाँ पे हम अपने जितने भी सिस्टम यूज़ करते हैं वो हम जो है उसमें ऑटोमेटिक यूज़ करते हैं ताकि उसमें हमारा टाइम कम लगे। ठीक है जी। तो अब मॉडल चेकिंग के लिए हम, तो ये तो हमारे फॉर्मल प्रूफ के कुछ बेसिक रूल्स थे कि हम अपने फॉर्मल प्रूफ्स को किस तरीके से सिस्टम के ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, किस तरीके से उसको डिप्लॉय कर सकते हैं और किस तरीके से हम उसको सिस्टम के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। देन मॉडल चेकिंग ऑपरेशनल रेदर देन एनालिटिक, यानी ये आपका ऑपरेशनल होता है रेदर देन एनालिटिक, के हम ये इसको एनालिटिकल नहीं बनाते, ये आपका ऑपरेशनल होता है और इसमें जो डिफरेंट चीज़ें हैं ये उस मेथड से, उस हिसाब से चल रही होती हैं। स्टेट मशीन मॉडल ऑफ अ सिस्टम इज एक्सप्रेस्ड इन अ सूटेबल लैंग्वेज। अब जितनी भी आपकी स्टेट मशीन मॉडल्स हैं उसमें जितने भी आपके सिस्टम्स हैं, हम जब उसको एक्सप्रेस करते हैं तो हम उसमें कोई अपनी सूटेबल लैंग्वेज यूज़ करते हैं मैनिपुलेट करने के लिए, उसको रन करने के लिए। मॉडल चेकर डिटरमाइंस इफ द गिवन फाइनाइट स्टेट मशीन मॉडल सेटिस्फाई रिक्वायरमेंट्स एक्सप्रेस्ड एज फार्मूलाज इन गिवन लॉजिक। अब यानी हम जब क्या बात कर रहे हैं कि मॉडल चेकर जो है वो डिटरमाइन करता है इफ़ द गिवन फाइनाइट स्टेट मशीन मॉडल सेट्स, यानी जितनी भी हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं क्या वो उस मॉडल के लिए उसमें वो सेटिस्फाई हो रही है, वो सारी की सारी वैलिडेट हो रही है। ठीक है, और उसकी जितनी भी लॉजिक्स हैं वो हम डिफरेंट फार्मूला से उसको अपने उस मॉडल में चेक करते हैं कि क्या ये जो मॉडल हमारा है, और ये हमारे देखिए हमने मैंने पहले ही बताया था कि जब अपना एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करते हैं या हम जब अपना एक सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमारे पास डिफरेंट मॉडल्स हैं, हम उन मॉडल्स को यूज़ करते हैं कि उन सिस्टम को डेवलप करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए। तो अब वो मॉडल की
जो सिलेक्शन है वो किस बेसिस पे है, वो आपकी स्पेसिफिकेशन और रिक्वायरमेंट की बेसिस के ऊपर है, ठीक है। तो जो भी आपकी स्पेसिफिकेशन होगी, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी, उसमें आपने ये देखना होगा कि आपकी जितनी भी स्पेसिफिकेशन है, जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है, वो सारी की सारी उसकी बेसिस के ऊपर हम देखेंगे कि हमने वाटरफॉल मॉडल यूज़ करना है, हमने इंक्रीमेंटल मॉडल यूज़ करना है, ठीक है, हमने स्पायरल मॉडल यूज़ करना है, हमने बॉय मॉडल यूज़ करना है। तो जो डिफरेंट मॉडल्स हैं, जो मॉडल हमारी रिक्वायरमेंट्स के लिए ज़्यादा सूटेबल होगा, ज़्यादा बेहतर होगा, हम उस मॉडल को प्रेफर करेंगे और प्रैक्टिकली पॉइंट ऑफ व्यू से उसको यूटिलाइज करेंगे, उसको डिप्लॉय करेंगे उस सॉफ्टवेयर के ऊपर। तो यहाँ पे जो हम अपनी बात कर रहे हैं वो यही पॉइंट है हमारे पास यहाँ पे कि मॉडल चेकर डिटरमाइंस इफ द गिवन फाइनाइट स्टेट मशीन मॉडल सेटिस्फाई रिक्वायरमेंट्स एक्सप्रेस्ड एज फार्मूलाज इन अ गिवन लॉजिक, कि जो हमारे पास गिवन लॉजिक है, जो फार्मूलाज हैं, हम उसमें उसको चेक करके यूज़ करते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं। बेसिक मेथड इज टू एक्सप्लोर ऑल रीचेबल पाथ्स इन अ कंप्यूटेशनल ट्री ड्राइव्ड फ्रॉम द स्टेट मशीन मॉडल। अब जो हमारे पास बेसिक मॉडल है या जो बेसिक मेथड है वो हम एक्सप्लोर करते हैं जितने भी रीचेबल पाथ्स हैं, ठीक है, उनके कंप्यूटेशन के लिए, उनकी ट्रीज के लिए, उनको ड्राइव करने के लिए। अब ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट लेक्चर्स के अंदर कि आपकी स्टेट मशीन्स क्या होती हैं, आपकी रेगुलर एक्सप्रेशंस क्या होती हैं, आपका फाइनाइट ऑटोमेटा क्या होता है, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये हम सारी की सारी जो एक्सप्लोर कर चुके हैं। तो बेसिक मेथड इज़ टू एक्सप्लोर ऑल रीचेबल पाथ्स इन अ कंप्यूटेशनल ट्री डराइव्ड फ्रॉम द स्टेट मशीन मॉडल, के जो मॉडल चेकिंग है उसके लिए हम यूज़ करते हैं इन तमाम को रन करने के लिए, मैनेज करने के लिए और मैनिपुलेट करने के लिए। तो ये हमारे पास मॉडल चेकिंग है ताकि हम जब मॉडल को वेरीफाई करें, मॉडल को चेक करें, तो वो डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशन पे बेस करते हैं कि हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या है, हमने उसको डिप्लॉय कहाँ करना है, हमने उसको यूज़ कहाँ करना है, हम किस कंटेक्स्ट में उसको देख रहे हैं। तो उस बेसिस के ऊपर हम मॉडल चेक करते हैं और अगर वो मॉडल उन रिक्वायरमेंट के साथ फिजिबल है, वो सारी की सारी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो मैच करती हैं, तो वो मॉडल जो है उसके लिए रिक्वायरमेंट, ठीक है, उसके लिए लेजिटिमेट है, हम वहाँ पर इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास कंसेप्ट है वो एब्स्ट्रैक्शन का है, ठीक है। मैं अगर दो स्लाइड बैक जाऊँ तो अगर आप ये देखें तो हमने क्या कहा था कि सबसे पहले हमने डिस्कस किया अपनी फॉर्मल स्पेसिफिकेशन को, फिर हमने चेक किया अपने फॉर्मल प्रूफ्स को, फिर हमने मॉडल चेकिंग की बात की और फिर लास्ट में हमारे पास क्या आ रहा है, एब्स्ट्रैक्शन आ रही है। तो यहाँ पे आप इससे पहले वाली क्लास में हमने इसको डिस्कस कर लिया, फिर हमने यहाँ पे अपने फॉर्मल प्रूफ्स को डिस्कस कर लिया और फिर हमने यहाँ पे अपने मॉडल चेकिंग को डिस्कस कर लिया और अब हम अपनी इस एब्स्ट्रैक्शन को डिस्कस कर रहे हैं कि एब्स्ट्रैक्शन क्या है और एब्स्ट्रैक्शन का क्या मीनिंग है और हम इसको किस तरीके से यूटिलाइज करते हैं। एब्स्ट्रैक्शन सिंप्लीफाई एंड इग्नोर इररेलेवेंट डिटेल्स, जितनी भी आपकी यानी उसको सिंप्लीफाई करना और जितनी भी इररेलेवेंट डिटेल होती हैं उन तमाम को इग्नोर करना, फोकस ऑन जनरलाइज इम्पॉर्टेंट सेंट्रल प्रॉपर्टीज एंड करेक्टरिस्टिक्स, यानी इसमें हम अपने जितने भी हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इग्नोर करते हैं, जितनी भी हमारे पास इन रेलिवेंट डिटेल्स होती हैं और हम किस पे फोकस करते हैं, फोकस ऑन एंड जनरलाइज इम्पॉर्टेंट सेंट्रल प्रॉपर्टीज एंड करेक्टरिस्टिक्स, यानी मतलब जितने भी इम्पॉर्टेंट और जो सेंट्रल प्रॉपर्टीज़ हैं उनको उन तमाम की जितनी भी करेक्टरिस्टिक्स हैं उनको सेंट्रलाइज यूज़ करने के लिए हम इसको चेक करते हैं। अवॉइड प्रीमेच्योर कमिटमेंट टू डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन चॉइसेस, यानी अब आप यहाँ पे देखें कि हम इसमें जितनी भी हमारी प्रीमेच्योर जो है कमिटमेंट है, अब यहाँ पे हमारे पास प्रीमेच्योर कमिटमेंट क्या है कि देखें जब हम कोई सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो कुछ हमारी ऐसी स्पेसिफिकेशन होती हैं जो भी हमें कन्फर्म नहीं होती, लेकिन हम कहते हैं कि माइट भी जब हम सिस्टम डिवेल्प कर रहे हैं तो ये स्पेसिफिकेशन भी आ सकती है, ये स्पेसिफिकेशन भी यूज़ हो सकती है और इन स्पेसिफिकेशन की भी इम्प्लीमेंटेशन भी हम भी ज़रूरी हो सकती है। तो वो जो हमारी
प्री मच्योर है, जो अभी हमें मच्योर नहीं है कि आया ये हमने यूज़ करनी है कि नहीं करनी, अगर करनी है तो किस तरह यूज़ करनी है, इसको लिंक किस तरीके से करना है, इसको इंटीग्रेट किस तरीके से करना है। तो वो हमारी जितनी चीज़ें हैं हम उनसे अवॉइड करते हैं कि अवॉइड प्री मच्योर कमिटमेंट टू डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन चॉइसेस। ठीक है, कि हम वो जितनी भी हमारी जो है प्री मच्योर जो है कमिटमेंट्स है उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए, उनको डिज़ाइन करने के लिए हम अपने क्या रूल्स यूज़ करेंगे, क्या रेगुलेशन यूज़ करेंगे और किस तरह करेंगे, उसके लिए हम अपनी एब्स्ट्रैक्शन को यूज़ करते हैं। हम अपनी एब्स्ट्रैक्शन को उन मेथड्स के लिए, उन टेक्निक्स के लिए हम अपनी एब्स्ट्रैक्शन को इम्प्लीमेंट करते हैं, उन मॉडल के साथ लिंक करते हैं, उसको इंटीग्रेट करते हैं। देन हमारे पास प्रोग्राम एज मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट। देखें, जो आपका प्रोग्राम होता है उसकी डेफिनेशन क्या है कि सेट ऑफ प्री डिफाइंड रूल्स। ठीक है, अब वो जो प्री डिफाइंड, देखिए आप लिखते हैं सी इज इक्वल टू बी प्लस टू, देन बी प्लस प्लस, ठीक है, देन डी इज इक्वल टू सी माइनस बी, तो ये आपके कुछ डिफाइंड रूल्स है ना। जब आप इसको कंपाइल करते हैं सी प्लस प्लस के अंदर तो आपकी उन वेरिएबल्स के ऊपर वो एग्जीक्यूशन करता है। ठीक है, तो आप यहाँ से अपना वर्ड ओपन करते हैं और W प्रेस करते हैं तो वो W ही आता है। मैं अगर ये अपने कीबोर्ड की W वाली की को वहाँ से निकाल के उसकी जगह मैं उसकी जगह में Z लगा दूँ और Z पे W लगा दूँ, उसका मतलब ये नहीं है कि जब मैं यहाँ पे W प्रेस करूँगा तो वहाँ पे Z आएगा, वहाँ W ही आएगा, क्योंकि जो सर्किट डिज़ाइन हुआ हुआ है, जो उसकी प्री डिफाइन इंस्ट्रक्शन डिफाइन हुई हुई है, वो Z के लिए की हुई है, तो इसलिए वो आपकी चेंज नहीं हो सकती। तो हम इसीलिए हम जो अपना एक मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट के लिए जो हम यूज़ करते हैं, तो जो हमारा प्रोग्राम है वो एक मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट है। अब वो जो एक मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं कि वो हमारे सेट ऑफ प्री डिफाइंड रूल्स है। ठीक है, अब वो हमारे पास जितने भी प्री डिफाइंड रूल्स हैं उन रूल्स की इम्प्लीमेंटेशन किस तरह करनी है, उन रूल्स को हमने डिप्लॉयमेंट किस तरह करना है, वो सारी की सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करते हैं। दैट्स वाई वी आर सेइंग कि जो हमारा प्रोग्राम है वो आपकी मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स है। अब ज़्यादा बात है कि उसमें आपके इंस्ट्रक्शंस हैं, उसमें आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, हम उन इंस्ट्रक्शंस की बेस के ऊपर अपने प्रोग्राम को कंटिन्यू कर रहे होते हैं। जो हमारी कोडिंग होती है, हम जब अपना प्रोग्राम की स्पेसिफिकेशन फाइंड कर लेते हैं, उसका एनालिसिस कर लेते हैं, डिज़ाइन कर लेते हैं, हम जब अपने इम्प्लीमेंटेशन फेज में जाते हैं और जहाँ पर हम अपने उस प्रोग्राम की कोडिंग कर रहे होते हैं, उन कोडिंग के अंदर जितने भी आपके स्टेप्स हैं, ठीक है, वो सर्टेन प्री डिफाइंड रूल्स हैं और दीज रूल्स, ठीक है, वी कैन से, ठीक है, मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं वो आपके। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारी जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं वो भी आपकी मैथमेटिकल लैंग्वेज है। एक्चुअली हम उस लैंग्वेज को, ठीक है, सर्टेन सिंटैक्स, ठीक है, सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो सेंड करते हैं, तो उन रूल्स एंड रेगुलेशन की बेसिस के ऊपर ही वो उसको कंप्यूट करता है, वो उसको मैनिपुलेट करता है, कैन प्रूव प्रॉपर्टीज अबाउट द प्रोग्राम। ठीक है, जो आपका प्रोग्राम है उसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं हम उन तमाम को जो है वो जो है प्रूव कर सकते हैं। अब आप ये देखें कि ये आपके पास यहाँ पे इनपुट है, ये आपके पास फंक्शंस हैं, जो भी आपके प्रोग्राम में जो आप प्रोग्राम्स के सर्टेन प्री डिफाइंड रूल्स हैं, ठीक है, उन रूल्स की बेसिस के ऊपर ये आपकी आउटपुट है। तो आप देखें फंक्शन ऑफ आई गोज आउटपुट, यानी आप जो भी इनपुट आएगी उसके ऊपर, उन कंडीशंस के ऊपर, उन रूल्स के ऊपर, उन मेथड्स के ऊपर जो है वो उसको मैनिपुलेट करेगा और कैलकुलेट करके आपको एक सर्टेन प्री डिफाइंड रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। अब वो जो रिजल्ट प्रोवाइड कर रहा है, वो जो रूल्स हैं, वो जो रेगुलेशंस हैं, उन तमाम मेथड्स को, टेक्निक्स को जो हम यूज़ करते हैं अपनी मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स के तौर के ऊपर, तो ये हमारे पास डिफरेंट इनपुट्स थी, इस पे हमारे पास ये डिफरेंट फंक्शंस आए और इन फंक्शंस की बेसिस के ऊपर हमारे पास डिफरेंट आउटपुट आई और हम इससे इस पूरे प्रोग्राम को रन कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और मैनिपुलेट कर रहे हैं। तो हम इसलिए इसको कहते हैं कि जो हमारे प्रोग्राम्स हैं वो वी कैन से इट इज़ आल्सो नोन एज मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स। देन हमारे पास फॉर्मल स्पेसिफिकेशन जो लैंग्वेजेस हैं, ठीक है,
अब बेस्ड ऑन फॉर्मल मैथमेटिकल लॉजिक, हमने शुरू में भी कहा था कि जितनी भी हमारे पास फॉर्मल स्पेसिफिकेशन जितनी भी लैंग्वेज हैं वो सारी की सारी जो है वो बेस करती हैं मैथमेटिकल लॉजिक के ऊपर, ठीक है। अब जो मैथमेटिकल लॉजिक है, ठीक है, वो अभी हमने जिस तरह बात की है कि वो हमारे पास कुछ जो है वो प्री डिफाइंड रूल्स हैं, हम उन प्री डिफाइंड रूल्स को यूज़ करते हैं इम्प्लीमेंटेशन के लिए, अपने रिजल्ट्स के लिए। दैट्स वाई वी आर सेइंग बेस्ड ऑन फॉर्मल मैथमेटिकल लॉजिक विद सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इनहांसमेंट्स सच एज टाइप सिस्टम्स एंड पैरामीटराइजेशन। अब जो भी आपके सिस्टम की टाइप है उसको देखना है, और उसके जो डिफरेंट पैरामीटर्स हैं उन पैरामीटर्स के ऊपर हमने उसकी फंक्शनैलिटी देखनी है, उसको चेक करना है, उसको लिजिटिमेट बनाना है। जनरली नॉन एग्जीक्यूटेबल डिजाइन टू स्पेसिफाई व्हाट इज टू बी कंप्यूटेड, नॉट हाउ द कंप्यूटेशन इज टू कंप्लीटेड। यानी ये जो सेंटेंस है ये, इस पर जरा आप इसको फिर देखें, हम क्या कह रहे हैं कि वी आर सेइंग दैट जनरली नॉन एग्जीक्यूटेबल डिजाइन टू स्पेसिफाइड व्हाट इज टू बी कंप्यूटेड, नॉट हाउ द कंप्यूटेशन इज टू कंप्लीटेड। मोस्ट आर बेस्ड ऑन एक्सियोमेटिक सेट थ्योरी आर हायर ऑर्डर लॉजिक। अब यहाँ पे हमारे पास जितने भी बेस करते हैं, ठीक है, वो या तो जितने भी हमारे एक्सियोमेटिक्स हैं, हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि एक्सियोमेटिक्स क्या है, सेट थ्योरी क्या है, और उनकी इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से होती है, और वो हम सिस्टम के ऊपर किस तरीके से उसको डिप्लॉय करते हैं वो हम देख चुके हैं। अब यहाँ पे हमारे पास जो यानी हम यहाँ जो बात कर रहे हैं कि वो सारे के सारे सेट थ्योरी हम बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं, उसके रूल्स हैं, रेगुलेशन है। फिर भी अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर आ रहा है उसमें फिर थोड़ी सी उसकी एग्जांपल्स आएंगी, हम उसको फिर से डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारे पास बेस कर रही है वो एक्सियोमेटिक्स के ऊपर, सेट थ्योरी के ऊपर, या जो आपका हायर ऑर्डर जो आपका लॉजिक है वो उसके ऊपर बेस कर रही है। अब फीचर्स क्या है, फीचर्स ऑफ स्पेसिफिकेशन लैंग्वेज। अब जो भी हमारे पास जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, जो स्पेसिफिकेशन लैंग्वेजेस कहलाती हैं उनके फीचर्स क्या हैं, एक्सप्लिसिट, ठीक है, एक तो आपके पास एक्सप्लिसिट सेमेंटिक्स है। अब ये जो हमारे पास एक्सप्लिसिट सेमेंटिक्स है, ये इसका मतलब क्या है कि लैंग्वेज मस्ट हैव अ मैथमेटिकल स्क्योर बेसिस। यानी अब जो हमारी लैंग्वेज है उसमें हम अपने जितने भी रूल्स को डिफाइन करें, जो भी हम अपने रूल्स को मैनुपलेट करें, वो तमाम के तमाम रूल्स जो हैं स्क्योर हों, ठीक है, और उनके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस हो, ठीक है। और वो इस तरह नहीं है कि उन रूल्स को कोई आदमी भी देख ले, स्टडी कर ले क्या रूल है। तो दैट्स वाई वी आर सेइंग लैंग्वेज मस्ट हैव अ मैथमेटिकल स्क्योर बेसिस, ठीक है। अब इसमें जो एक्सप्रेसिवनेस है वो, ठीक है, वो क्या है कि वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ठीक है, जो भी लैंग्वेज है यानी फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, वो अंडरस्टैंडेबल हो, वो फ्लेक्सिबल हो, उसमें कोड को इनहांस किया जा सकता हो, कोड को, ठीक है, अगर आपने मिनिमाइज करना है आप वो कर सकें, उसमें अगर आप चेंजेस करना चाहें तो आप उसमें चेंजेस कर सकें। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी की सारी जो है उस, यानी वो जो लैंग्वेज है वो आपकी ज़्यादा फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, कन्वीनियंस होनी चाहिए, कि यानी आम जनरल यूज़र के लिए कन्वीनियंट हो, उसको अंडरस्टैंडेबल हो, उसमें कोडिंग इजी हो, और हम उस कोडिंग की बेस के ऊपर हम उसको यूज़ करें। और इकोनॉमी ऑफ एक्सप्रेशन जितनी भी वो है वो आपकी इकोनॉमी हो, यानी उसमें जो एक्सप्रेशन है उसको यूज़ करने के लिए वो आपकी इकोनॉमिकल हो, ठीक है। ये हमारे फ्यूचर्स हैं, हम जिसकी बेस के ऊपर इसको यूज़ करते हैं, कि नंबर वन कि एक तो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, एक कन्वीनियंस होनी चाहिए, ठीक है, और इकोनॉमी ऑफ एक्सप्रेशन होनी चाहिए, और इसके बाद प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस डेटा टाइप्स। अब उसमें कौन कौन सी डेटा टाइप्स भी होनी चाहिए जो उस लैंग्वेज के लिए प्री डिफाइंड हो, या वो रूल्स एंड रेगुलेशन हम उस लैंग्वेज में यूज़ कर सकते हों। नंबर वन, डिफरेंट रिकॉर्ड्स, डिफरेंट टपल्स, ठीक है, और एट्सेट्रा, ये जितनी चीज़ें हैं ये भी उस लैंग्वेज में ना मिले, जो डेटा टाइप्स हैं, ठीक है, उसमें आपकी
इंटीजर भी है, फ्लोट भी है, लॉन्ग भी है, वो डेटा टाइप्स भी यूज़ होने चाहिए, ताकि हम जब अपनी स्पेसिफिकेशन बनाएं, जब अपनी जब उसमें रूल्स बनाएं, अपनी एक रेगुलर एक्सप्रेशन डिफाइन करें, तो ये ऑप्शंस होंगी, तो हम उसमें अपने रूल्स को डिफाइन कर सकेंगे, अपनी रेगुलर जितनी भी एक्सप्रेशन हैं उनको डिफाइन कर सकेंगे, हम उनको यूज़ कर सकेंगे। तो इस बेसिस के ऊपर हम अपनी लैंग्वेज को डिफाइन करते हैं डिफरेंट पैरामीटर्स के साथ। ये इसी के फीचर्स ही आगे का कंटिन्यू हो रहे हैं। देन कन्वीनियंट सिंटेक्स, अब ऐसा ना हो कि उसका सिंटेक्स इतना डिफ़िकल्ट हो कि उसको कोई आदमी अंडरस्टैंड ही ना कर सके। देखें, जब भी हम अपना कोई सिस्टम डिफाइन करते हैं या हम जब भी अपनी कोई स्पेसिफिकेशन डिफाइन करते हैं, तो जो जो हमारे पास डिफरेंट स्पेसिफिकेशन है, जो उसकी डेफिनेशन है, ठीक है, जो लैंग्वेज है, अगर वो लैंग्वेज डिफ़िकल्ट होगी, देखें हमने जब अपनी स्पेसिफिकेशन ले ली, हमने डिज़ाइन कर लिया, एनालिसिस कर लिया, आर्किटेक्चर चूज़ कर लिया, नो वी आर द फेसेस, ठीक है, ऑन द इम्प्लीमेंटेशन फेस। इम्प्लीमेंटेशन फेसेस के ऊपर आपने जब उसको इम्प्लीमेंट करना है, जब आपने उसको यूज़ करना है, तो इम्प्लीमेंटेशन फेस के अंदर अपनी लैंग्वेज चूज़ करनी है। अब लैंग्वेज, अभी हम देख रहे हैं कि उसके डिफरेंट पैरामीटर्स अभी हम पीछे डिस्कस करते आ रहे हैं, कोड इजी हो, कम्प्लेक्स ना हो, ठीक है, और उसमें टपल्स हम डिफाइन कर सकते हो, रिकॉर्ड डिफाइन कर सकते हो। अभी हम जो कह रहे हैं कन्वीनियंट सिंटेक्स, अगर उसका सिंटेक्स डिफ़िकल्ट होगा, वो यूज़र के लिए अंडरस्टैंडेबल नहीं होगी, तो जो आपका डिवेलपर है माइट भी उसको इम्प्लीमेंटेशन में डिफ़िकल्टी हो, या उसमें अगर उसी फॉल्ट एनालिसिस करें, या उसमें जो डिफरेंट आपके एरर्स आएँ, तो उनकी एरर हैंडलिंग, ठीक है, वो डिफ़िकल्ट हो, उसको अंडरस्टैंड करना डिफ़िकल्ट हो। दैट्स वाई जो उसका सिंटेक्स होना चाहिए, दैट शुड बी अंडरस्टैंडेबल, ताकि वो सिंटेक्स हर एक को समझ आ सके कि उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया है, उसको किस तरीके से यूज़ किया है। और नेक्स्ट क्या है आपकी डायग्रामेटिक नोटेशन, ठीक है, आप जितनी भी आप की जो नोटेशंस हैं वो सारी की सारी डायग्राम बेसिस के ऊपर, ठीक है। अब जिस तरह हम आपने देखा होगा कि हम अपनी ह्यूमन लैंग्वेज यूज़ करते हैं, ह्यूमन लैंग्वेज के हमारे पास जो है उसमें डिफरेंट नोटेशंस हैं, डिफरेंट सिंबल्स हैं, डिफरेंट चीज़ें हैं, तो इसी तरीके से जो जो लैंग्वेज है उसमें हमारे पास ये ऑप्शन होनी चाहिए कि हम डिफरेंट नोटेशंस की, सिंबल्स की, ताकि वो एंड यूजर के लिए भी अंडरस्टैंडेबल हो। देन आपके पास स्ट्रांग टाइपिंग कैन बी मच रिचर देन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ठीक है, कि ये जो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है कि कैन बी मच रिचर देन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ठीक है, प्रोवाइड इकोनॉमी एंड क्लियरिटी ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है, अब जब उसको हम लिखें तो वो जो उसकी एक्सप्रेशन हो वो इजी हो, वो आपकी अंडरस्टैंडेबल हो। अगर वो आपकी अंडरस्टैंडेबल नहीं होगी, वो आपकी अगर इजी नहीं होगी, तो फिर वो किसी को समझ नहीं आएगी, ठीक है, और उसमें जितनी भी एरर हैंडलिंग होगी, ठीक है, वो भी करना डिफ़िकल्ट होगा। तो इसलिए जब हम उसको रन करें, उसको इम्प्लीमेंट करें, तो वो आपकी इजी हो, कन्वीनियंट हो। टोटल वेस टाइप चेकिंग प्रोवाइड कंसिस्टेंसी चेक्स, ठीक है, कि वो जो आपकी टाइप चेकिंग है, वो जो चेक्स होने चाहिए, वो भी आपके कंसिस्टेंट होने चाहिए, कि वो आपके कितने कंसिस्टेंट है, ठीक है, वो कितने लेजिटिमेट हैं, तो वो भी सारे के सारे आपके कंसिस्टेंट होने चाहिए। फिर हमारे पास टोटल वेस्ट पार्शियल फंक्शंस, ठीक है, यानी कि मोस्ट लॉजिक अज्यूम, यानी बहुत सी जो लॉजिक्स होते हैं, जो रूल्स होते हैं, ठीक है, जो आपकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो टोटल स्पेसिफिकेशन के ऊपर बेस कर रही होती हैं, ठीक है, और उसके जो फंक्शंस होते हैं वो टोटल फंक्शंस के ऊपर बेस कर रहे होते हैं, ठीक है, और कुछ जो होते हैं वो आपके पार्शियल फंक्शंस होते हैं, ठीक है। पार्शियल फंक्शंस क्या होते हैं कि जो हम आपने स्मॉल फंक्शन बनाते हैं, ठीक है, उसमें हम कुछ रूल्स डिफाइन करते हैं, कुछ रूल्स डिफाइन नहीं करते, उसको लिंक करते हैं। तो यहाँ पे आपके जितने भी फंक्शंस हों, जितने भी रूल्स हों, वो पार्शियली भी डिफाइन हो और वो टोटली भी डिफाइन हो, ठीक है, सब टाइप्स कैन हेल्प मेक टोटल फंक्शन मोर फ्लेक्सिबल। तो जो आपकी सब टाइप्स हैं वो आपकी हेल्प कर सकती हैं, जितने भी आपके टोटल फंक्शन होते हैं, जितने भी आपके रूल्स होते हैं, जितने भी आपकी लैंग्वेज होती है, उसके लिए वो फंक्शंस आपके मोर यूजेबल होते हैं, ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं, उसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये फीचर्स भी होने चाहिए कि कन्वीनियंट सिंटेक्स हो, डायग्रामेटिक नोटेशन हो, उसमें स्ट्रॉन्ग टाइपिंग हो, उसमें टोटल और वेस्ट पार्शियल फंक्शंस हो, ठीक है जी।
इसी तरीके से नेक्स्ट क्या है, एक्जियम्स एंड डेफिनेशन। अब आपके, अब हम लोगों ने एक्जियम्स क्या होते हैं, उसके रूल्स क्या थे, एक्जियम की डेफिनेशन क्या थी, ये हम लोगों ने जब अपना जो लास्ट लेक्चर में अपन को डिस्कस कर चुके हैं कि एक्जियम्स क्या होते हैं, एक्जियम्स के रूल्स क्या होते हैं, एक्जियम्स की इम्प्लीमेंटेशन किस तरह होती है, ये हम चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। तो एक्जियम्स एंड डेफिनेशन, एक्जियम्स कैन इंट्रोड्यूस इनकंसिस्टेंसी एंड शुड बी यूज, यानी इनकंसिस्टेंट होने चाहिए। अब इनकंसिस्टेंट से मुराद क्या है, ठीक है, कि वो एक दूसरे के साथ लिंक ना हो, एक दूसरे के साथ डिपेंडेंट ना हो। और इसके बाद प्रिंसिपल इंश्योर द डेफिनेशन आर वेल फॉर्म, ठीक है, कि जितने भी डेफिनेशन हैं वो वेल फॉर्म तरीके से डिफाइन की गई है, वो मेथड पे प्रॉपरली उसको यूज़ किया गया है। इन सम लैंग्वेजेस, ठीक है, लाइक PVS, टाइप चेकेड कंडीशन टू बी प्रूव्ड विल बी जनरेटेड टू एश्योर साउंड डेफिनेशंस। तो हम ये बात कर रहे थे कि जो हमारे पास एक्सियम्स हैं वो प्रॉपरली जो है प्री डिफाइन हो, उसमें हमारे पास डिफरेंट PVS है, टाइप डिफरेंट टाइप चेकिंग की कंडीशंस हैं, ठीक है, उसके प्रूफ्स हैं, ठीक है, और उसको किस तरीके से आपने इंश्योर करना है, उसकी डेफिनेशंस हैं, वो सारी की सारी चीज़ें प्रॉपरली आपकी प्री डिफाइन होनी चाहिए। देन मॉडुलर, देन जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो कंसेप्ट है मॉडुलाइजेशन का, कि अब आपके जितने भी मॉड्यूल्स होते हैं, हमने ये कहा था कि जो हमारे पास रिक्वायरमेंट्स हैं हम उसके डिफरेंट मॉड्यूल्स बना सकते हैं, उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो वो हमारे पास जितने भी मॉड्यूल्स हैं वो मॉड्यूल्स किस तरह बनेंगे, कितने मॉड्यूल्स होंगे, उनका लिंक किस तरह होगा, उसको इंटीग्रेट किस तरह करना है, उसकी मैनिपुलेशन किस तरीके से करनी है, ठीक है, तो वो जो है उनके रूल्स भी प्रॉपरली डिफाइन होने चाहिए, कि ब्रेकिंग आर स्पेसिफिकेशन इनटू मॉड्यूल्स इन एन इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशनल फीचर्स। देखिए, मैं कहता हूँ कि मैंने कॉमसेट यूनिवर्सिटी को ऑटोमेट करना है। अब कॉमसेट यूनिवर्सिटी की ऑटोमेशन का मतलब है कि उसमें एक मॉड्यूल वेब का होगा, डेटाबेस का होगा, नेटवर्क का होगा, फिर डेटाबेस के अंदर एम्प्लॉयज़ का पे रोल सिस्टम होगा, स्टूडेंट का फी रोल सिस्टम होगा, ठीक है, उनकी जॉइनिंग होगी, बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। तो हम उसके प्री डिफाइन मॉड्यूल्स डिफाइन कर सकें, ताकि वो जो हमारी डिवीजन है उस डिवीजन की बेसिस के ऊपर हम उसकी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जा सकें। हम जब अपने मॉड्यूल्स को प्रॉपरली डिफाइन नहीं करेंगे, हम उनको प्री डिफाइन नहीं करेंगे, तो जो हमारी स्पेसिफिकेशन है, जो हमारे रूल्स हैं, जो हमारे रेगुलेशंस हैं, वो हम सही तरीके से हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। तो इसलिए यहाँ पर हम कहते हैं कि ब्रेकिंग आर स्पेसिफिकेशन इन टू मॉड्यूल्स इज़ एन इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन फीचर्स, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास जितने भी मॉड्यूल्स हैं वो हम उन तमाम को अलाउ करते हैं रीयूजबिलिटी के लिए, कि हमने उसको रीयूज़ किस तरह करना है, उसको रीजनरेट किस तरह करना है, उसको इम्प्लीमेंट किस तरीके से करना है। ये जितनी चीज़ें हैं, ये सारे के सारे जो हैं, ये फीचर्स हैं आपकी स्पेसिफिकेशन लैंग्वेज के, कि उन लैंग्वेज के क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशंस हैं, उनकी इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से होनी है, और हमने उसको किस तरीके से कैसे यूज़ करना है। नेक्स्ट जो हमारे पास है कि फीचर्स, अभी हम कंटिन्यू कर रहे हैं कि बिल्ट इन मॉडल ऑफ कंप्यूटिंग, ये हमारे पास जो नेक्स्ट इसमें इम्पॉर्टेंट है कि वो हम क्या कह रहे हैं कि बिल्ट इन मॉडल ऑफ कंप्यूटेशन, के टू डिस्चार्ज सिंपल टाइप चेकिंग कंस्टेंट्स इनहांस प्रूफ चेकिंग, ठीक है। अब जो हमारे पास टाइप चेकिंग है कि हम जो अपनी टाइप चेकिंग करेंगे उसके लिए क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशंस हैं, क्या मेथड्स हैं, हम किस तरीके से करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें बिल्ट इन मॉडल ऑफ कंप्यूटेशन के हमारे पास हमें कोई अपनी लैंग्वेज, ठीक है, कोई हमें अपनी कोई उसमें लैंग्वेज एक्सप्रेशन या रेगुलर एक्सप्रेशन को डिफाइन करना चाहिए कि जो क्या हमें प्रोवाइड करे कि टू डिस्चार्ज सिंपल टाइप चेकिंग कंस्टेंट्स इनहांस प्रूफ चेकिंग। तो ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो है आपके सॉफ्टवेयर की स्पेसिफिकेशन है कि जब आपने अपना सॉफ्टवेयर बनाना है तो उसकी जितनी भी आपकी प्रूफ चेकिंग है, वो जो आपकी प्रूफ चेकिंग है वो किस बेसिस के ऊपर होनी चाहिए, वो किस तरीके से होनी चाहिए, और उसकी इंटीग्रेशन किस तरह होनी चाहिए, ये भी एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है उसको लिंक करने के लिए, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए।
अब इसमें आपकी मेच्योरिटी, अब जो आपकी मेच्योरिटी है, मेच्योरिटी आपकी डिफरेंट पैरामीटर्स के ऊपर डिफाइन होती है. नंबर वन डॉक्यूमेंटेशन. देखें आपने पूरा सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कर दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन अगर आपने साथ साथ उसकी डॉक्यूमेंटेशन नहीं की और आपका डेवलपर मिड में कहीं छोड़ के चला जाता आपकी कंपनी, तो नो बॉडी कैन अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा था. यानी उसको अंडरस्टैंड करना बहुत मुश्किल होगा, उसको दोबारा से बिल्ड करना, उसको वहीं से स्टार्ट करना वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा. लिहाजा हम जब भी अपना कोई सॉफ्टवेयर बनाएं, कोई चीज़ बनाएं, तो उसकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए साथ साथ, ताकि हमें पता चले कि हम किस फेज़ से गुजर रहे हैं. फर्स्ट फेज़ में क्या हुआ, फिर सेकेंड फेज़ में क्या हुआ, फिर थर्ड फेज़ में क्या हुआ, तो उसकी जो मेच्योरिटी लेवल है वो हमें उसके डिफाइन होने चाहिए कि और उसमें हमारे पास जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन है वो हमने किस तरह करनी है, उसके स्टेप्स क्या हैं, उसके रूल्स क्या हैं, वो सारे के सारे टूल सपोर्ट के, वो कौन कौन से टूल्स को जो सपोर्ट करती है, कौन कौन से टूल्स हैं. ठीक है, अब हमें उसमें टूल्स भी देखने हैं कि हमारे पास किस तरह के टूल्स हैं, कैसे टूल्स हैं. एसोसिएटेड लिटरेचर, ठीक है, उसका जितना भी लिटरेचर है उसके साथ जो लिंक्ड है, जो सेट है, ठीक है, जो रेलेवेंट लिटरेचर है उसको देखना है. लाइब्रेरीज ऑफ प्रूवन स्पेसिफिकेशन, तो जितनी भी आपकी लाइब्रेरीज हैं, जो उसकी स्पेसिफिकेशंस हैं, उनको प्रूव करने के लिए, उसको मैथमेटिकल देखने के लिए, ठीक है, वो आपने किस तरीके से करनी है. सम मेजर ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन के कुछ आपकी मेजरमेंट भी होनी चाहिए, कुछ मेजर्स भी होने चाहिए कि आपने उसको उस तमाम को जो स्टैंडर्डाइज किस तरह करना है, और वो जो आपकी स्टैंडर्डाइजेशन है उनके स्टेप्स क्या हैं, उनके मैथड्स क्या हैं, उनकी रूल्स क्या हैं उसके ऊपर. तो ये सारी चीज़ें भी होनी चाहिए आपकी मेच्योरिटी मॉडल में. डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए, आपकी टूल्स की सपोर्ट होनी चाहिए, आपके पास एसोसिएटेड लिटरेचर होना चाहिए, आपके पास लाइब्रेरीज होनी चाहिए, और आपके पास उन तमाम को स्टैंडर्डाइज करने के लिए मेजरमेंट रूल्स होने चाहिए. लॉजिकल एरर्स इन फॉर्मल स्पेसिफिकेशन. अब जो हमारे पास फॉर्मल स्पेसिफिकेशन है, इसमें हमारे पास थ्री टाइप्स जो हैं वो लॉजिकल एरर्स हैं, जिसकी हमने डिफरेंट थ्री कैटेगरीज डिफाइन की हैं. ठीक है, कि जो आपके लॉजिकल जो आपके एरर्स हैं वो फॉर्मल स्पेसिफिकेशन में, उसकी जो हमने अपनी थ्री डिफरेंट कैटेगरी डिफाइन की हैं वो कौन कौन सी हैं. ठीक है, कैटेगरीज ऑफ लॉजिकल. अब जितनी भी आपकी नॉमलीज होती हैं, लाइकली लॉजिकल इनकन्सिस्टेंसी. ठीक है, जो फर्स्ट है वो लॉजिकली इनकन्सिस्टेंसी है, सेकंड एक्यूरेसी है, और थर्ड आपके पास जो है वो आपकी जो है कंप्लीटनेस है. ये हमारे पास जो थ्री पैरामीटर्स हैं ये डिफरेंट कैटेगरीज हैं, जिस वजह से आपके फॉर्मल स्पेसिफिकेशन में डिफरेंट लॉजिकल एरर्स आते हैं. तो जो फर्स्ट है लॉजिकल इनकन्सिस्टेंसी, ठीक है, एग्जिस्ट लॉजिकल एरर्स टू डिटेक्ट, कि आपके पास जितने भी एरर्स आ रहे हैं उन तमाम को डिटेक्ट करने के लिए कोई मेथड होने चाहिए, कोई मेथडोलॉजी होनी चाहिए, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन होने चाहिए, जो इजीली हम उसको डिटेक्ट भी कर सकें, उनको रिकवर भी कर सकें, और फिर उनको सिस्टम के साथ उन तमाम को उस सिस्टम के ऊपर जो हम उनको जो है प्रॉपरली फार्मूलेट भी कर सकें. तो ये जितनी चीज़ें हैं ये सारी की सारी आपकी लॉजिकल इनकंसिस्टेंसी में आती हैं, कि इजीएस्ट लॉजिकल एरर्स टू डिटेक्ट. सेकेंड पॉइंट क्या है, एक्यूरेसी, कि डज द स्पेसिफिकेशन मीन व्हाट इज इंटेंडेड, यानी जो हमारी स्पेसिफिकेशन थी क्या हमने वही इंटेंड किया है, क्या वही इम्प्लीमेंट किया है. सिस्टम इनवेरियंट्स कैन हेल्प इन डिटेक्शन, कि हमारे पास जितने भी सिस्टम इनवेरियंट्स हैं वो हमें डिटेक्शन में हेल्प कर सकते हैं, हम उसको मिनिमाइज कर सकते हैं, उनको रिमूव कर सकते हैं. देन हमारे पास जो है नेक्स्ट जो कंसेप्ट है वो है जो है कंप्लीटनेस का है. डज द स्पेसिफिकेशन आइडेंटिफाई ऑल कंटीजनियस एंड स्पेसिफाई एप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉर ऑल केसेस, कि आपके पास जितने भी केसेस हैं उन तमाम को उन तमाम की प्रॉपर स्पेसिफिकेशन लेना, उसको लिंक करना, उसको एप्रोप्रिएट बनाना, उसको इंटीग्रेट करना अपनी कंप्लीटनेस के लिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. पीयर रिव्यू कैन एड इन डिटेक्शन, के जितनी भी आपकी पीयर रिव्यूज़ हैं वो जितनी भी आपकी डिटेक्शन है उन तमाम में हम उनको ऐड कर सकते हैं,
उनमें यूज़ कर सकते हैं, उनको हम उन पर जो है लिंक कर सकते हैं। तो ये हमारे पास डिफरेंट लॉजिकल एरर्स हैं जो जो हमारे पास फॉर्मल स्पेसिफिकेशन में आते हैं, उसमें लॉजिकल इनकंसिस्टेंसी है, उसमें एक्यूरेसी है, उसमें उसमें कंप्लीटनेस है, ये सारी चीज़ें हम इसमें जो है यूज़ करते हैं। तो ये तीन हमारे पास थे कि लॉजिकल इनकंसिस्टेंट, एक्यूरेसी और आपके पास जो थर्ड इसमें पैरामीटर था दैट वाज कंप्लीटनेस। देन आपके पास नेक्स्ट है टेक्निक्स फॉर डिटेक्शन ऑफ एरर्स इन फॉर्मल स्पेसिफिकेशन। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो टेक्निक्स और मेथड्स है कि जो फॉर डिटेक्शन ऑफ एरर्स इन फॉर्मल स्पेसिफिकेशन, जितनी भी हमारे पास आपके पास जो फॉर्मल स्पेसिफिकेशन है उसमें कौन कौन सी टेक्निक्स हैं, ठीक है, हम किन टेक्निक्स के थ्रू अपने एरर्स को, अपने इन तमाम चीज़ों को डिटेक्ट कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं, और उन एरर्स को जितनी अर्ली स्टेजेस के ऊपर आप डिटेक्ट करेंगे उतना बेहतर होगा। अगर आपने उसको स्पेसिफिकेशन के बेस पे कर लिया, डिज़ाइन के बेस पे कर लिया, जिस फेज पे अर्ली आप उसको डिटेक्ट करेंगे उतनी उसकी इम्प्लीमेंटेशन बेहतर होगी। जहां आप उसको लेट डिटेक्ट करेंगे उतना आपका लॉस ज़्यादा होगा। तो द फॉलोइंग एरर डिटेक्शन टेक्निक्स आर लिस्टेड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिगोर एंड कास्ट ऑफ एप्लीकेशन। देखिए मैंने आपको ये बात बताई है ना कि आपकी कास्टिंग इंक्रीज कर जाएगी अगर आप उसको अर्ली डिटेक्ट नहीं कर सकते, तो आपकी जो कास्टिंग है वो आपकी जो है वो इंक्रीज कर जाएगी। तो इसमें क्या क्या स्टेप्स हैं कि इंस्पेक्शन ऑफ द फॉर्मल स्पेसिफिकेशन मैनुअल, कि सबसे पहले तो जो हमारे पास जितनी भी फॉर्मल स्पेसिफिकेशन है, ठीक है, उसकी इंस्पेक्शन हमें करनी चाहिए मैनुअल बेसिस के ऊपर। अगर जो आपके स्मॉल सिस्टम है फिर तो बनेगी मैनुअल, हमने ये पीछे कंसेप्ट पढ़ा था कि ऑटोमेटेड भी होती है और मैनुअल भी होती है। और पार्सिंग ऑफ सिंटैक्टिक करेक्टनेस ऑटोमेटेड, जितनी भी आपकी सिंटैक्टिक्स करेक्टनेस है वो सारी की सारी जो बेस होनी चाहिए वो सारी की सारी आप की ऑटोमेटेड होनी चाहिए। टाइप चेकिंग फॉर सीमेंटिंग कंसिस्टेंसी ऑटोमेटेड, जितनी भी आपकी टाइप चेकिंग है उसके अंदर, ठीक है, वो भी सारी की सारी जो है आपकी सीमेंटिंग कंसिस्टेंट है कि वो कितनी कंसिस्टेंट है, वो कितनी बेहतर है, ठीक है, वो भी सारी की सारी आपकी ऑटोमेटेड होनी चाहिए। सिमुलेशन और एनिमेशन बेस्ड ऑन द स्पेसिफिकेशन ऑटोमेटेड, कि जितनी भी आपकी एनिमेशन होती हैं और जो सिमुलेशन होती हैं वो सारी की सारी बेस करती हैं आपकी ऑटोमेटेड स्पेसिफिकेशन के ऊपर, सारी की सारी। ओनली पॉसिबल इफ द लैंग्वेज प्रोवाइड्स एन एग्जीक्यूशन ऑप्शन, ये यानी हमें ये कब प्रोवाइड होता है, ओनली पॉसिबल इफ द लैंग्वेज प्रोवाइड्स एन एग्जीक्यूशन ऑप्शन, कि अगर वो आपको लैंग्वेज आपको एग्जीक्यूशन ऑप्शन दे रही है तो ये उसमें पॉसिबल होता है। फिर आपके पास इसमें नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है, थ्योरम प्रूविंग, ठीक है, अब हम इसमें इसको जो है डिटेक्ट कर सकते हैं थ्योरम प्रूविंग से, प्रूफ चेकिंग से, मॉडल चेकिंग फॉर लॉजिकल एनोमलीज से। ये हमने जो पीछे लास्ट थ्री मेथड पढ़े हैं कि एक आपका जो प्रूफ चेकिंग है, मॉडल चेकिंग है और लॉजिकल, तो ये सारे मेथड्स, ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिसकी बेसिस के ऊपर ये वो सारी टेक्निक्स हैं कि जिससे हम अपनी फॉर्मल्स जो हमारी फॉर्मल स्पेसिफिकेशंस हैं उसमें जितने भी एरर्स आते हैं उन एरर्स को हम मिनिमाइज कर सकते हैं, उनको डिटेक्ट कर सकते हैं सिस्टम को एफिशिएंट करने के लिए और सिस्टम को रिलायबल बनाने के लिए फॉर द पर्सनल यूज। देन फॉर्मल स्पेसिफिकेशन एज अ सिस्टम डिस्क्रिप्शन, ठीक है जी, कि अब जो आपके पास सिस्टम की डिस्क्रिप्शन है उसमें जो हमारे पास फॉर्मल स्पेसिफिकेशन है वो क्या कहती है कि क्लैरिफाई रिक्वायरमेंट्स एंड हाई लेवल डिज़ाइन, कि इसमें हमारे पास यानी आपके जितनी भी आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं उन तमाम रिक्वायरमेंट्स को क्लैरिफाई करें और उस पर हाई लेवल डिज़ाइन बेस करें। आर्टिकुलेट इम्प्लिसिट अजम्पशन, के जितनी भी आपकी अजम्पशन हैं हम उन तमाम को आर्टिकुलेट करें, ठीक है, और उन तमाम को आइडेंटिफाई करें अनडॉक्यूमेंटेड और अनएक्सपेक्टेड
assumptions कि वो आपके पास जितनी भी undocumented है जो आपकी document के अंदर नहीं है और जो unexpected है उनको हम separate करें. Expose flaws के जितने भी आपके system के flaws हैं, जो system के आपके errors हैं, उन तमाम को expose करें और फिर उनको identify करें, उन तमाम exceptions को identify करें और last में evaluate test coverage के उसकी जितनी भी testing है, जो coverage है, वो हम सारी की सारी करें. तो ये हमारे पास different rules and regulations हैं जिसकी basis के ऊपर हम अपनी formal specification की system description के साथ क्या rules हैं, क्या अब हम ये देखेंगे, ये हम इसमें से it not necessary के सारी की सारी techniques आपके लगेंगे, लेकिन ये certain आपके steps हैं. ये steps आपको पता होने चाहिए कि जब आपने formal method design किया है तो कौन कौन सी techniques हैं, ठीक है, जिससे हम formal specification में errors find कर सकते हैं. देखिए, हम बार बार ये बात कर रहे हैं कि अगर हम अपने स्पेसिफिकेशन की स्टेज के ऊपर आपने एरर को मिनिमाइज कर लें तो हमारा जो डिज़ाइन है वो भी अच्छा बनेगा, जो एनालिसिस है वो भी अच्छा होगा, जो आर्किटेक्चर चूज़ करेंगे, जो मॉडल चूज़ करेंगे वो भी बेहतर होगा, जो उसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी वो भी बेहतर होगी और जो उसके आपके रिजल्ट्स आएंगे वो आपकी जो आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट थी वो उसके साथ मैच करेंगे. लेकिन अगर हमने अपनी जो हमारा फर्स्ट फेज है, जो हमारी रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन वाला फेज है, अगर हमने वहाँ पर अपनी रिक्वायरमेंट्स ही प्रॉपर ना ली, हमने उन्हीं को प्रॉपरली ना चेक किया, वहाँ पे हमने अपने चीज़ें मिस कर दी, ठीक है, उसमें आपके एरर्स आ रहे हैं, उसमें आपके इश्यूज आ रहे हैं, तो उसका हमें ड्रॉबैक क्या होगा, पूरे सिस्टम में ड्रॉबैक होगा, यानी फर्दर जो उसका एनालिसिस होगा और उसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी, यहाँ जहाँ पे हम उसको मूव करेंगे वो ड्रॉबैक्स उस पूरे सिस्टम में साथ साथ आपके पास करते रहेंगे. दैट्स वाई मैं आपको ये कह रहा हूँ कि हमारे पास जितनी भी टेक्निक्स हैं फॉर्मल स्पेसिफिकेशन की डिटेक्शन की, वो हमें इस तरीके से यूज़ करनी चाहिए ताकि हम उसको जो है प्रॉपरली इम्प्लीमेंट कर सकें अपने मेथड्स में, अपने रूल्स में और अपनी रेगुलेशन में, ताकि उसका जो रिज़ल्ट आए वो रिज़ल्ट बेहतर आए. ठीक है जी. तो ये हमारे पास कुछ स्टेप्स थे, कुछ मेथड्स थे, कुछ टेक्निक्स थी जिसके थ्रू हम अपनी फॉर्मल स्पेसिफिकेशन को उनके जो एरर्स हैं उनको हम जो मिनिमाइज कर सकते हैं. अब नेक्स्ट जो है, अब हम डिस्कस करते हैं कि बेनिफिट्स ऑफ फॉर्मल स्पेसिफिकेशन. यानी अब जो हमारा है कि ये तो हमने पढ़ लिया कि फॉर्मल स्पेसिफिकेशन क्या है, उसके एरर के साथ चेक करते हैं, उसके बेनिफिट्स के ड्रॉबैक्स, अब हम देख रहे हैं उसके बेनिफिट्स, उसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं, कि फॉर्मल स्पेसिफिकेशन के जो एडवांटेजेस हैं वो क्या क्या एडवांटेजेस हैं. ठीक है, फर्स्ट है कि हायर लेवल ऑफ रिगोर इनेबल्स अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम, कि जो हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, जो हमारी रिसर्च की स्टेटमेंट है, जो हमारा इशू है, जो हमारा क्वेश्चन है, उसको अंडरस्टैंड करना बेटर वे, यानी एक बेहतर तरीके से हम उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं. ये फर्स्ट बेनिफिट है फॉर्मल स्पेसिफिकेशन का. डिफेक्ट्स आर अनकवर्ड दैट वुड लाइकली गो अननोटिस विद ट्रेडिशनल स्पेसिफिकेशन मेथड्स. यानी सेकंड जो हमारे पास पॉइंट है कि उसमें जितने भी हमारे डिफेक्ट्स आते हैं वो अनकवर्ड है और वुड लाइकली गो अननोटिस विद ट्रेडिशनल स्पेसिफिकेशन मेथड, कि हमारे पास जितने भी ट्रेडिशनल मेथड्स हैं स्पेसिफिकेशन के, वो हम उस बेसिस के ऊपर उन तमाम को यूज़ करते हैं. फिर हम उसमें आइडेंटिफाई डिफेक्ट्स अर्लियर इन लाइफ साइकिल, कि जो हमारे पास लाइफ साइकिल है उसमें जितने भी डिफेक्ट्स हैं वो हमें अर्ली स्टेजेस पर चल जाते हैं. ठीक है, जब आपको वो सारे के सारे आपको अर्ली स्टेज पर चल जाएंगे तो जो आपकी एरर हैंडलिंग है, जो आपकी मैनिपुलेशन है, जो आपके बाकी प्रॉब्लम्स हैं, वो आप इजीली बेहतर तरीके से उसको कर सकते हैं, आपका टाइम कम लगेगा. कैन गारंटी द एब्सेंस ऑफ सर्टेन डिफेक्ट्स. ठीक है जी. अब ये लास्ट पॉइंट भी जो है, आप ये देखें कि कैन गारंटी द एब्सेंस ऑफ सर्टेन डिफेक्ट, उसकी गारंटी होती है. ठीक है, फॉर्मल स्पेसिफिकेशन लैंग्वेज सेमांटिक्स अलाउ चेक्स फॉर सेल्फ कंसिस्टेंसी ऑफ अ प्रॉब्लम स्पेसिफिकेशन. ये एक मेजर इसका एडवांटेज है, ये इसका एक
major benefit hai ki formal specification language syntax allows check for self consistency of a problem specification ke jo jo hamare paas problem hai jo hamare paas issue hai uski self jo hai ki wo kitna consistent hai uski uski specification kya hai wo hame sare ki sathari hum aise find kar sakte hain formal specification enable formal proofs which can establish fundamental system properties and invariants. Yani iske baad isme hum discuss kya kar rahe hain ki jo formal specification hai enable formal proofs which can establish fundamental system properties and invariants. Yani jitne bhi jo bhi aapki specification hai jo uske proofs hai unko understand karna unke invariants ko samjhna ye sare benefits bhi hame formal language se milte hain. और नेक्स्ट पॉइंट है कि रिपीटेबल एनालिसिस मींस रीजनिंग एंड कंक्लूजन कैन बी चेक्ड बाय कोलीग्स. ये इसका लास्ट पॉइंट था. तो ये हमारे पास डिफरेंट फॉर्मल स्पेसिफिकेशन के एडवांटेजेस हैं, बेनिफिट्स हैं कि अगर हम फॉर्मल स्पेसिफिकेशन के अंदर हम उसको यूज़ करते हैं तो हमें क्या क्या एडवांटेजेस मिल रहे हैं, हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं, हम उनको किस किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, हम उसको सिस्टम के साथ किस तरह लिंक कर सकते हैं. तो ये सारे के सारे आपके स्टेप्स हैं. नेक्स्ट बेनिफिट्स क्या है कि अभी स्टिल इसके बेनिफिट्स चल रहे हैं, वैसे तो बहुत से बेनिफिट्स हैं लेकिन हमने कुछ कंक्रीट जो ज़्यादा इफेक्टिव है हम उनको सिर्फ फोकस कर रहे हैं कि वह कौन कौन से हैं. इनकरेज एन एब्स्ट्रैक्ट व्यू ऑफ सिस्टम फोकसिंग ऑन व्हाट प्रपोज सिस्टम शुड कंप्लीटेड एज अपोज टू हाउ टू कंप्लीट इट. ठीक है जी, ये इसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट बेनिफिट है कि हम यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं कि इनकरेज एन एब्स्ट्रैक्ट व्यू ऑफ सिस्टम. जो आपका सिस्टम है जो उसका एक एब्स्ट्रैक्ट व्यू है वो उसका फोकस है, और जो आपका प्रपोज सिस्टम है कि जो भी आपने प्रपोज किया है जो उसके रूल्स हैं जो उसके रेगुलेशंस हैं उसको आप किस तरीके से कंप्लीट करेंगे, उसके क्या 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 स्टेप्स हैं उनको देखने के लिए हम ये यूज़ करते हैं. इनकरेज एन एब्स्ट्रैक्ट व्यू ऑफ सिस्टम फोकसिंग ऑन व्हाट आ प्रपोज सिस्टम शुड कंप्लीटेड एज अपोज टू हाउ टू कम्प्लीट इट. ठीक है जी, एब्स्ट्रैक्ट फॉर्मल व्यू हेल्प्स सेपरेट स्पेसिफिकेशन फ्रॉम डिज़ाइन. यानी जो भी आपका डिज़ाइन है, ठीक है, जो भी आपकी नीड्स हैं, हम यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं कि वो आपको एब्स्ट्रैक्ट फॉर्मल व्यू वो आपको एक प्रोवाइड करता है, और उसमें जितनी भी आपकी स्पेसिफिकेशन है वो डिज़ाइन से सेपरेट देता है. यानी जो आपका डिज़ाइन है उन तमाम से वो सेपरेटली आपको देता है. एनहांसेस एग्जिस्टिंग रिव्यू प्रोसेसेस बाय एडिंग अ डिग्री ऑफ रिगोर. ठीक है, वो जितनी भी आपके रिव्यू हैं जो आपके प्रोसेसेस हैं उन तमाम को ऐड करता है. तो ये हमारे पास सर्टेन एडवांटेजेस हैं जब हम इसको यूज़ करते हैं. तो अब ये देखेंगे, ये जो पॉइंट है ये भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एब्स्ट्रैक्ट फॉर्मल व्यू हेल्प सेपरेट, यानी वो डिज़ाइन से आपके जितने भी रूल्स हैं रेगुलेशंस हैं उसको सेपरेट जो है उसका आपको डिज़ाइन देता है. नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि लिमिटेशंस टू फॉर्मल मेथड्स. यानी अब ये तो सारे के सारे इसके बेनिफिट्स हो गए, ये तो सारे के सारे इसके एडवांटेजेस हो गए. अब जो हमारे पास नेक्स्ट है कि वो है इसकी लिमिटेशंस के फॉर्मल मेथड्स की लिमिटेशंस क्या क्या है. ठीक है, हम इसको कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, कहाँ कहाँ नहीं कर सकते. यूज्ड एज एन एडजेसेंट to not a replacement for standard quality assurance methods. यानी ये जो software quality assurance है वहाँ के लिए applicable नहीं है, वहाँ पर हम इसको use नहीं कर सकते. यानी हम उसकी quality नहीं check करके दे सकता कि ये कितना quality software है, ये कितना standardized software है, ठीक है, ये कितना आला, ये कितना बेहतर, कितना best software है. हम उसमें अपनी quality को इंश्योर नहीं कर सकते, हम अपनी क्वालिटी को उसमें मैयर नहीं कर सकते. दैट्स वाई वी आर सेइंग यूज्ड एज एन एडजेसेंट टू नॉट अ रिप्लेसमेंट फॉर स्टैंडर्ड क्वालिटी एश्योरेंस मेथड. फॉर्मल मेथड आर नॉट अ पैनिक बट कैन इंक्रीज कॉन्फिडेंस इन अ प्रोडक्ट्स कि प्रोडक्ट कितना रिलायबल है इफ़ अप्लाइड विद केयर एंड स्किल.
ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी सेकंड लिमिटेशन है, ठीक है, वेरी यूजफुल फॉर कंसिस्टेंसी चेक्स बट कैन नॉट अश्योर कंप्लीटनेस ऑफ अ स्पेसिफिकेशन। यानी अब हम इसको जो है यूज़ कर सकते हैं कि जितनी जितने भी हमारे कंसिस्टेंसी चेक्स हैं उसमें हम यूज़ कर सकते हैं, जो हमारी कंप्लीट जितनी भी हमारी स्पेसिफिकेशन है हम जो उनको कंप्लीट कर रहे हैं उसको चेक कर सकते हैं, लेकिन हम इसको ज़्यादा हम इसको ब्रॉडली जो है वो डिज़ाइन और इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हम जो बात कर रहे थे कि ये जो आपके पास कंसिस्टेंट के कितना कंसिस्टेंट है, अब जो आपके पास कंसिस्टेंट चेक्स हैं वो चेक्स कौन कौन से हैं, जो हमने एक्सवी में देखे थे, जो हमने अपनी अपनी रेगुलर एक्सप्रेशन में देखे थे, अपने रूल्स में देखे थे, अपनी लैंग्वेज में देखे थे, वो सारे के सारे चेक्स जो एक्सप्रेशन हैं, जो रूल्स हैं, जो रेगुलेशन हैं, वो सारे के सारे हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये जो इसकी आपकी लिमिटेशन है, जो सबसे मेजर लिमिटेशन है वो आपकी क्वालिटी स्टैंडर्ड की है, कि बहुत से लोगों के जहन में ये होता है कि ये आपके क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को बताएगा कि वो कितने बेहतर है, हम उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये पॉइंट आप जहन में रखें कि यूज्ड एंड एडजेसेंट टू नॉट अ रिप्लेसमेंट फॉर स्टैंडर्ड क्वालिटी एश्योरेंस मेथड, कि क्वालिटी एश्योरेंस के अपने मेथड्स हैं, उसके अपने टेक्निक्स हैं, उसके अपने रूल्स हैं, उसकी अपने मेथड्स हैं। यानी ये क्वालिटी एश्योरेंस को उसके साथ अगर आपके जहन में ये है कि ये उसको रिप्लेस कर देगा तो ऐसी बात नहीं है, ये उसकी रिप्लेसमेंट नहीं है, ठीक है जी। तो ये इसके कुछ लिमिटेशंस आ गई थी। नेक्स्ट कि कॉशंस इन द यूज़ ऑफ फॉर्मल मेथड, कि अब आपके पास कॉशंस क्या है, ठीक है। यानी अब इस सारे लेक्चर का जो हमने कल और आज इसको जो है कंप्लीट कर रहे हैं, तो इसका क्या है कि एप्लीकेशंस टू सूटेबल प्रोजेक्ट एनवायरनमेंट्स इज क्रिटिकल इफ बेनिफिट्स आर टू एक्सीड कॉस्ट्स। यानी ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हम यहाँ पे क्या डिस्कस कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास जितनी भी एप्लीकेशंस हैं टू सूटेबल प्रोजेक्ट एनवायरनमेंट्स इज क्रिटिकल इफ बेनिफिट्स आर टू एक्सीड कॉस्ट, अगर उसके बेनिफिट्स जो हैं वो कॉस्ट से एक्सीड्स कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, तो फिर आप ठीक है ना, ये ऐसा कॉशन है, फिर आपको ध्यान में रखना चाहिए कि हम इसको यहाँ पे इंप्लीमेंट करें या ना करें, ठीक है। फॉर्मल मेथड्स एंड प्रॉब्लम डोमेन एक्सपर्टीज मस्ट बी फुली इंटीग्रेटेड टू अचीव पॉजिटिव रिजल्ट्स। यानी आप ये देखें कि यहाँ पे एक और जो आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फॉर्मल मेथड्स एंड प्रॉब्लम डोमेन एक्सपर्टीज मस्ट बी फुली इंटीग्रेटेड टू अचीव पॉजिटिव रिजल्ट्स। यानी अब जो हमारे पास फॉर्मल मेथड्स हैं और जो हमारी प्रॉब्लम डोमेन्स हैं, हम इन दोनों को और वो जो एक्सपर्टीज हैं उसको जब यानी प्रॉपरली इंटीग्रेट करेंगे, लिंक करेंगे, तो फिर हमारे पास पॉजिटिव रिजल्ट्स हमें मिलेंगे। लेकिन हम अगर अपनी प्रॉब्लम डोमेन के ऊपर, ठीक है, जो हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उस पे अगर हमारी एक्सपर्टीज ही नहीं है, ठीक है, उस पे हमारा कंट्रोल ही नहीं है, तो हम उसको फॉर्मल मेथड के साथ लिंक नहीं कर सकते। अगर लिंक करेंगे तो जो हमारे रिजल्ट्स हैं, जो हमारी आउटपुट्स हैं, वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होंगी, वो ज़्यादा बेहतर नहीं होंगी। तो दैट्स वाई हम यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि फॉर्मल मैथड्स एंड प्रॉब्लम डोमेन एक्सपर्टीज मस्ट बी फुली इंटीग्रेटेड टू अचीव पॉजिटिव रिजल्ट्स। इन दोनों चीज़ों को आप जब इंटीग्रेट करेंगे तो जो आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे, जो आपको बेहतर मिलेंगे रिजल्ट्स, वो आप तब यूज़ कर सकते हैं। चलिए फिर आप इन दोनों लेक्चर्स की जो कंक्लूजन है कि फॉर्मल मेथड्स आर नो, ठीक है, अब आप ये देखेंगे कंक्लूजन से मुराद है, हमने जो दोनों चैप्टर्स पढ़े हैं उसकी जो समरी है एंड में, कि फॉर्मल मेथड्स कैन डिटेक्ट डिफेक्ट्स अर्लियर इन लाइफ साइकिल, ठीक है, कि जो फॉर्मल मेथड्स हैं इसका जो ऑब्जेक्टिव है या हम इसको क्यों यूज़ करते हैं कि ये आपके जो डिफेक्ट्स हैं, जो अर्ली स्टेजेस हैं, वहाँ पे उन डिफेक्ट्स को रेक्टिफाई करने के लिए, ठीक है, कि वो आपके जितने भी इफेक्ट्स हैं, ठीक है, जो उनमें प्रॉब्लम्स हैं, जो उनमें इश्यूज हैं, उनको अर्ली स्टेजेस के ऊपर फाइंड आउट करने के लिए हम अपने फॉर्मल मेथड यूज़ करते हैं।
Formal method can be applied at various levels of resource investment. ठीक है, क्योंकि formal method जो है, जो हमारे पास इसके different levels हैं, जो हमारे पास resource investment है, हम उसके ऊपर इसको implement कर सकते हैं, उसके ऊपर हम इसको use कर सकते हैं. Formal method can be integrated within a existing project process models. ठीक है जी, कि formal method इसके अलावा काम हम इसको use कर सकते हैं, कि can be integrated within a existing, जो हमारे पास एक existing project है, हम उसके साथ भी इसको integrate कर सकते हैं और उसके साथ भी link कर सकते हैं. That's why we are saying that कि formal method can be integrated within existing project प्रोसेस मॉडल. उसके साथ हम उसको एग्जिस्टिंग प्रोसेस मॉडल के साथ लिंक कर सकते हैं, उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं. फॉर्मल मेथड्स कैन इंप्रूव क्वालिटी एश्योरेंस व्हेन अप्लाइड टू एप्रोप्रिएट प्रोजेक्ट्स. यानी हम अगर फॉर्मल मेथड्स को यूज़ करें तो हम अपने क्वालिटी एश्योरेंस के प्लान्स को, ठीक है, क्वालिटी एश्योरेंस को बेहतर कर सकते हैं, ठीक है, अपने सर्टेन प्री डिफाइंड प्रोजेक्ट्स में. हर एक प्रोजेक्ट पे हम इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, लेकिन सर्टेन प्री डिफाइंड प्रोजेक्ट्स के ऊपर हम इसको इम्प्लीमेंट करके अपने रिजल्ट्स को बेहतर तरीके से जो अचीव कर सकते हैं. तो ये हमारे पास जो लास्ट लेक्चर जो था 22nd और आज का 23rd, ये दोनों प्योरली इंडस्ट्री बेस्ड थे. ठीक है, कि इंडस्ट्री के अंदर हम इन टेक्निक्स को किस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं, किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं, फॉर्मल मेथड का इंडस्ट्री के साथ लिंक क्या है, हमने जितनी चीज़ें पढ़ी हैं उनको किस तरीके से इंटीग्रेट करना है, हमने एग्जाम पढ़े, हमने सेमेंटिक्स पढ़े, हमने रेगुलर एक्सप्रेशंस को देखा, ठीक है, तो हमने ऑटोमेटा देखा, उसमें हमने फाइनाइट स्टेट मशीन देखी, तो उन तमाम को हमने इंटीग्रेट किया, लिंक किया फॉर्मल मेथड्स को सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के साथ इंप्लीमेंट करके, और उसको रियल टाइम के एग्जांपल्स देखी है कि इसको इंडस्ट्री में इसकी इम्प्लीमेंटेशन किस तरह की जा सकती है. तो इंशाल्लाह ताला अपने नेक्स्ट क्लास में हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.